Hey guys, I've just received the hoodie from the Instagram page Yuka. Here is the logo. So the hoodie is absolutely nice. आप लोगों को दिखाने का मन था, that's why. तो इसको फटाफट से पहन लेते हैं. ओके, तो मैंने हुडी को व्हाइट कलर में लिया था बिकॉज बहुत समय हो गया मैंने व्हाइट कलर के कपड़े खरीदे नहीं. तो द हुडी इज एक्चुअली वेरी नाइस, बहुत कंफर्टेबल है, एकदम मस्त है. आई वुड सजेस्ट यू गाइज एज वेल टू बाय हुडीज फ्रॉम यूका. इंस्टाग्राम पेज को मैं डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन कर दूंगा, यहाँ पे टेम्पलेट्स भी डाल दूंगा. ये हुडी एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत स्लीक है, बहुत कंफर्टेबल है. आई रियली लाइक इट. थैंक यू वेरी मच यूका फॉर सेंडिंग मी दिस. तो आप लोगों को भी अगर हुडी ऑर्डर करना होगा देन डू कॉन्टैक्ट यूका. फाइनली जाके कुछ तो सही देखने को मिला है. देर इन शिलोंग, दिमाग में ज्यादा कुछ था नहीं, रास्ते अनजान थे और लोगों से मैं वाकिफ नहीं, फिर भी एक्सप्लोर करने का जुनून सर पे चढ़ा हुआ था. तो ज्यादा कुछ सोचा नहीं, बस बैग पैक किया, कैमरा उठाया और सीधा पहुंच गया चेरापुंजी. ओके, सो राइट नाउ हियर आई एम इन चेरापुंजी का जो सेवन सिस्टर फॉल्स है उधर पे. मैं जब आया था मौसम एकदम क्लियर था, बट थोड़ी देर के बाद यहाँ पूरा फॉग हो चुका है. ओके, सो आई होप यू गाइज गॉट दी आइडिया कि हाउ इज दिस सेवन सिस्टर फॉल. इट्स रियली अमेजिंग. एक्चुअली अभी क्या है कि ठंडे दिनों में फॉग की वजह से व्यू जो है वो ढका हुआ रहता है. बट आई सजेस्ट अगर कोई आने का प्लान कर रहा है ना शिलोंग चेरापुंजी, तो आई वुड सजेस्ट कि आप समर में आओ, क्योंकि समर में जो व्यू है वो बहुत अच्छी तरीके से दिखता है. ऑल्सो अगर हम उस तरफ देखेंगे तो जो बांग्लादेश तो दिखाई नहीं देता है, बट उसका जो बॉर्डर है वाटर बॉर्डर वो दिखाई देता है. तो इट्स अ प्रीटी मच कूल प्लेस. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि फॉग हट जाएंगे, बट आई हैव बीन हियर एक घंटे से तो मैं इधर ही हूँ. यहाँ के लोगों ने कहा कि ठंडे दिनों में ऐसा ही होता है, मतलब फॉग से मोस्ट ऑफ द टाइम कवर रहता है. तो आई थिंक दैट वॉज इट फॉर चेरापुंजी एंड मतलब चेरापुंजी सेवन सिस्टर फॉल. एंड आई थिंक आई शुड मूव क्योंकि मुझे और भी जगह कवर करना है. तो चल लेट्स गो. ओके, सो अभी हम निकल रहे हैं. इट वॉज रियली नाइस हियर. अभी एक्चुअली थोड़ा बारिश भी गिर रहा है, तो मैंने बराबर कुछ हुडी बम्बर वम्बर डाल लिया, नहीं तो भीग जाऊंगा. तो हमारा जो नेक्स्ट लोकेशन है वो है चेरापुंजी व्यू पॉइंट. तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा. आई एम नॉट रियली श्योर मेरा बाइक जाएगा क्या नहीं. आई डोंट थिंक इट कैन गो. सो लेट्स गिव इट अ ट्राई, जो होगा देखा जाएगा. Can my bike go? Can my bike go? Yes, 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 you can. Come on, bro. पैदल आता ही तो ठीक था, कोई बात नहीं, एडवेंचर हो गया. ओके, दिस इज द स्टेयर्स टू चेरापुंजी व्यू पॉइंट. कुछ ज़्यादा नहीं है, एक व्यूज है, आपको दिखाऊंगा. गाना बंद करते हैं. ओके, सो फ्रॉम हियर यू कैन सी द होल चेरापुंजी. ये जगह को देख के तो आपको पता चल ही गया होगा व्हाई दिस इज कॉल्ड चेरापुंजी व्यू पॉइंट. तो हम जहाँ पे गए थे सेवन सिस्टर फॉल, इट्स इन दैट साइड और दिस इज द रेस्ट ऑफ द चेरापुंजी. ओके, सो आफ्टर दिस प्लेस वी विल गो टू आरवा केव. वो यहाँ से 14 मिनट की दूरी पे है. चलो लेट्स गो. ओके, सो जो हमारा आरवा फॉल है वो अनफॉर्चुनेटली बंद है कोविड की वजह से. कोई बात नहीं, वी हैव अनदर प्लेस, दिस इज कॉल वाह काबा फॉल्स, मतलब इट्स ए वाटरफॉल. तो वही चलते हैं, 6 मिनट की दूरी पे है, मतलब रास्ते पे ही पड़ जाएंगे. कैन वी गो रोबोट एंड ट्रेसपासिंग. हमको क्यों लग रहा है बंद है पूरा, मतलब वाटर. तो फिर भी आई एम इलीगली गोइंग,
trespassing. कुछ पुलिस देख लेने से, प्लीज डोंट अरेस्ट मी. सेल्फी डेंजर जोन, लोग यहाँ पे सेल्फी लेते लेते मरे हैं लगता है. ओके, तो मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम ही आया हूँ. एंड आई थिंक एक तो ये बंद था, ऊपर से इतना फॉग है, मुझे पानी की आवाज़ तो आ रही है. आई थिंक देर माइट बी ए वाटरफॉल समवेयर देयर, जस्ट लाइक चेरापुंजी का वो सेवन सिस्टर फॉल टाइप. बट क्या है कि इस कोहरा ही कोहरा ने हमारा व्यू ब्लॉक कर दिया. आई थिंक आई हैव टू गो बैक. वो एंटक में पहले जा चुका हूँ, कुछ नहीं है. ओके, सो देयर इज अनदर वाटरफॉल जिसका नाम है जनाइलार फॉल. जनाइलार फॉल इट्स 22 मिनट्स फार अवे, बट ये रास्ते पे पड़ जाएगा, सो विल गो देयर. ओके, सीधा है, चलो. तो हमारा कुछ ये हाल है. गूगल भाई साहब कह रहे हैं कि टेक राइट, यहाँ से राइट लेगा तो सीधा भगवान के पास पहुँच जाएगा. हो गया, गूगल से तो हमका भरोसा उठ गया. राइट लूँ तो मर जाऊँगा. चलो यहाँ आ गया, तो लेट्स सी कि उधर क्या है. अभी तो मुझे भी पता नहीं मैं यहाँ कैसे पहुँच गया. वाज जस्ट फॉलोइंग द मैप्स एंड रास्ते पे ये दिख गया. द बेस्ट पार्ट इज दिस एंड यू कैन सिट हियर ना, सो इट्स रियली नाइस. यहाँ से अगर देखोगे तो इट्स लिटिल बिट स्कैरी, मुझे भी हाइट फोबिया है, बट इट्स अमेजिंग. एकदम मस्त जगह. ये गूगल भाई साहब ना मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो. वाटरफॉल मिल ही नहीं रहे, पता नहीं किधर है. गूगल बोला तो भूल गया. वाटरफॉल पता है, हिंदी आता है? इंडिया हिंदी मालूम, इंग्लिश खासी खासी मेरे को नहीं मालूम लेकिन ठीक है चलो. वाटरफॉल इधर उधर, झरना, पानी, बिस्लेरी और क्या बोलेगा, नदी, वाटरफॉल, पानी गिरिंग, टिंग टिंग टिंग, नहीं मालूम. दे डोंट नो हिंदी नीदर इंग्लिश, उनको खासी पता है, जो हमको पता नहीं, खत्म. ओके, तो ये आगे वैन पे जो लोग जा रहे हैं ना, उन लोगों को भी हिंदी या इंग्लिश तो मालूम नहीं था, बट दे अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. आई सेड वाटरफॉल, झरना, क्या क्या क्या, तो वो समझ गए. एंड दे टोल्ड मी कि फॉलो मी, वो दिखा देंगे करके. सो यू आर फॉलोइंग दिस वैन, तो होपफुली वाटरफॉल देखने को मिलेगा. तो ये जगह का जो लोकेशन है वो मैं वीडियो के साइड पे मेंशन कर दूंगा. अगर आप कभी चेरापुंजी आते हो तो इस जगह को ज़रूर विजिट करना. आई वुड से कि इवनिंग के समय पे अराउंड 4-5 बजे जब सनसेट होता है तब आइएगा, क्योंकि दिस प्लेस इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. यहाँ बैठ के मस्त कुछ खा के सनसेट देखने में जो मज़ा आएगा ना, आई एम टेलिंग यू, बहुत बढ़िया होगा. और अगर आप लोग कपल में आते हो तब तो इट्स इवन बेटर. कपल के साथ ऐसा सनसेट मिल जाए ऐसे जगह में, तब तो भाई साहब क्या कहना. ओके, आई थिंक वाटरफॉल जाने के लिए यहाँ से पैदल चल के वहाँ तक जाना पड़ेगा, पर वो तो वहाँ क्लोज लिखा हुआ है, क्या करूँ. टन 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 टन, बर्बाद. आया सब कुछ क्लोज 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 क्लोज. रोड्स आर नाइस, एवरीथिंग इज नाइस, सिनारियो इज नाइस, प्लेसेस आर क्लोज, बट अभी तो मेरे मन में एक ही गाना चल रहा है. खो गए हम कहाँ, रंगो साये जहाँ, खो गए हम कहाँ, रंगो साये जहाँ, तेरे मेरे रास्ते हैं, जादुई मारते हैं, मैं भी हूँ तू भी है यहाँ. फाइनली जाके कुछ तो सही देखने को मिला है. दिस इज द वाटरफॉल. ओ माय गॉड, आई कैन नॉट डिस्क्राइब. वीडियो में कैसे आ रहा है आई डोंट नो, बट इन रियल दिस इज नाइस. गाइस हैव अ लुक. दिस प्लेस इज अमेजिंग.
Oh my god, look at the water, पूरा green है, मतलब बहुत साफ लग रहा है, मन कर रहा है जाके पी लूँ क्या? नहीं, लेकिन कुछ हो जाएगा, आपको डर लगे. Okay, so that was it for this waterfall. जो मेरा कैमरा है इसका बैटरी भी ख़त्म हो चुका है. इसके ऊपर में ना थोड़ा सा जगह है, वहाँ पे जाके देखते हैं. चलो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, बट इट्स नाइस. मेरा पूरा हाथ कांप रहा है अभी. सो दैट वाज इट फॉर दिस प्लेस. मेरा जो एक्शन क्या है, मैं उसका बैटरी ख़त्म हो गया, तो फ़ोन से ब्लॉक करना पड़ रहा है. एनीवेज, दिस इज़ नाइस, डू कम हियर, नाम मैं मेंशन कर दूंगा. तो आई थिंक दैट वाज इट. अभी यहाँ से निकलता हूँ. आई स्टिल हैव थोड़ा सा उजाला लेफ्ट. देखता हूँ कि जब तक उजाला है एक और कुछ नया जगह मैं विजिट कर पाता हूँ कि नहीं. फॉर नाउ यहाँ से भागते हैं. हे गाइस, तो आज का दिन हो चुका है ख़त्म. तो यहाँ पे मैं सनसेट को एंजॉय कर रहा था. ये अभी तो एक्चुअली ढल चुका है. मैं आई वाज सो बिजी वाचिंग द सनसेट कि मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया. एनीवेज, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. आज तो लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आया, कल से तो ज़्यादा ही मज़ा आज आया. तो चेरापुंजी इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड प्लेस आई वुड से. एंड अगर कोई आने का प्लान कर रहा है तो येस, आई वुड रिकमेंड बाद में आना जब पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा. बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक मैं बहुत सारी जगह नहीं जा पाया बिकॉज सब जगह क्लोज था. बट ओवर एंड ऑल इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा मज़ा आया. आई डोंट नो व्लॉग कैसा बना होगा, बट आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट. एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी द लास्ट एपिसोड फॉर माई मेघालय और शिलोंग ट्रिप. तो जो भी है यही है. कल का जो सेकेंड एपिसोड था, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इतना अच्छा नहीं गया. आई मीन, सो आई एम सॉरी फॉर डैट. तो अभी थोड़ी देर के बाद जब अंधेरा हो जाएगा मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा. जब तक अंधेरा होता है मैं इन बादलों से, इन वैली से, इन रोड से, इन आसमान से, इस ढलते हुए सूरज से बात करूँगा. माई थिंग एक्चुअली, एंड आई टेल यू द रीज़न बिहाइंड मी कमिंग टू मेघालय इज़ दैट कि आई वॉज गोइंग थ्रू समथिंग. आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट. कुछ कुछ होता है ना, सबका अपना अपना तकलीफ़ें एंड एवरी थिंग. तो वो तकलीफ़ें ख़त्म तो नहीं हुई, बट यहाँ आके इन बादलों से, वाटरफॉल लोग से बात करके बहुत चीज़ें जो है वो हल्की हो गई है. सो आई एम फीलिंग बेटर अभी. इफ आई गो होम आई कैन गो विद ए पॉजिटिविटी. जो नेगेटिवनेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है. सो आई एम प्रिटी मच हैप्पी. तो यही था द आइडिया बिहाइंड डूइंग ऑल दिस ट्रिप. जीरो भी गया था, बादलों वैली को बात करके आया. यहाँ भी अभी बैठूंगा अभी और थोड़ी देर, और कुछ कुछ बात बताऊंगा इन बादलों को. मेरी कुछ कुछ नेगेटिविटी इनको पास कर दूंगा. आई एम बीइंग सो सेल्फिश, ताकि आई कुड हैप्पीली मूव बैक टू माई लाइफ. सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. सो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई शिलोंग ट्रिप. आई होप यू गाइस एंजॉयड. इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ थम्स अप. Make sure you subscribe to my channel, and as always, thanks for watching till the end. As I said earlier, you guys are amazing. Peace. Okay, so lastly, video ko khatam karte karte, I would like to tell you something. Actually, a moral that. Okay, तो इस व्लॉग में फिर से मैं एक इमोशनल वाला बैकग्राउंड म्यूजिक डाल रहा हूँ. एंड मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं निभा एक्टिंग सच में नहीं कर रहा हूँ. इट्स जस्ट बिकॉज ये जो वीडियो है इसके साथ ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है इट गोज़ वेल, इसीलिए मैं इसे डाल रहा हूँ. लाइफ में कुछ भी हो जाओ, डू नॉट गिव अप. देयर विल बी अप्स, देयर विल बी लोस, बट इट डजंट मीन कि अगर आपका ख़राब समय चल रहा है तो वो चलते ही जाएगा. कभी ना कभी तो सुबह होना ही है. ऑब्वियसली पॉजिटिविटी कभी ना कभी तो आएगा ही. अगर आपके मन में नेगेटिविटी भी है तो शेयर इट विद समबडी हुम यू ट्रस्ट. और मेरी तरह ओपन पे आ जाओ, नेचर से बात करो. यू विल एक्चुअली फील फ्री. क्योंकि जब आप लोगों को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते हो या फिर किसी को भी बताते हो, चाहे पहाड़ हो, लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, जब आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हो तो यू फील एक्चुअली ए लिटिल लाइट. हम लोग का जो दिल है ना, इसमें जो स्टोरेज है वो बहुत कम है. आई थिंक सिर्फ 2 GB का होगा. तो हमेशा इसको हल्का रखो, कीप इट लाइट. अंदर में कुछ बातें हैं तो उसे शेयर करो लोगों के साथ, या फिर नेचर पे आके बक दो. मैं तो चिल्लाता हूँ पूरा नेचर पे आके आ करके. लाइफ में होते हैं फेलियर्स, ब्रेकअप, या फिर कभी बात नहीं बनी, हो जाते हैं सब. सो यू डोंट हैव टू वरी मच. मच्छर का तो यू डोंट हैव टू वरी मच. जस्ट टेक योर टाइम,
गेट ओवर इट, बातें शेयर करके नेचर में आके स्पीक आउट करके, आई वोंट सी कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं बट कुछ कम ज़रूर हो जाते हैं. एंड कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा भी होता है जो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता, तो उसमें आपको क्या करना है कि जस्ट लर्न हाउ टू लिव विद इट, बिकॉज दैट्स लाइफ.